गाइस, मैं आपकी होस्ट नूपुर। वेलकम टू माय चैनल इन व्लॉग नूपुर। सो फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं अपने शहर के व्यस्त चौराहे खिंडी बाग रामलीला मैदान चौराहे पे खड़े हैं। और अभी आप मेरे पीछे जैसे कि देख सकते हैं, आपको मेरे पीछे शहीद स्तंभ भी दिख रहा होगा, जो कि आप मेरे बहुत से व्लॉग में देख चुके हैं। और ये जो है खिंडी बाग रामलीला मैदान चौराहा है, कि आप सामने जो देख रहे हैं, ये जो है खिंडी बाग रामलीला मैदान है। मेले का जो है आज उद्घाटन होने जा रहा है, मतलब आज जो है गणेश स्थापना होगी। और आप जैसे मेरे पीछे देख रहे हैं, सामने गेट भी दिख रहा होगा, श्री रामलीला स्मृति खिंडी बाग शाहजहाँपुर का, देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है। तो खैर, चलिए फ्रेंड्स, आपको पूरा अंदर से दिखाते हैं और दिखाते हैं क्या क्या तैयारियाँ हो चुकी हैं मेले की। रामलीला मैदान के अंदर आ चुके हैं और अभी बीचों बीच खड़े हैं। और जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे दुकानें जो हैं वो अब धीरे धीरे लगना स्टार्ट हो चुकी हैं। और कल से यहाँ पे मेले का शुभारंभ हो जाएगा और रामलीला का मंचन जो है वो भी चालू हो जाएगी कल से रामलीला। और अभी आप सामने जो हैं देख रहे हैं, नया रंगमंच बन चुका है। पहले यहाँ पे बहुत छोटा हुआ करता था रंगमंच, अब ये बहुत बड़ा बन चुका है और इसका उद्घाटन भी इसी रामलीला से ही होगा। जैसे कि अभी आप सामने देख रहे हैं, सांस्कृतिक मंच जो है राजकीय इंटर कॉलेज शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश, देख रहे हैं आप, ये नया मंच बना है, अभी जल्दी ही हाल ही में बना है और कल से इसका शुभारम्भ हो जाएगा, यहाँ पर रामलीला होगी। तो इंतज़ार बहुत लंबा रहा, खैर फाइनली मेला लग रहा है। पीछे देख रहे होगे, सामने जो दीवार दिख रही है वो जो है वो जेल के पीछे वाली दीवार है। और इसी वजह से हमारे शहर के बहुत से लोग जो पुराने हैं वो इसको जेल वाला मेला भी कहते हैं। और जो खिंडी बाग रामलीला मैदान है इसको जेल वाला मेला भी कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं और हम भी कहते हैं, भाई हम भी पुराने हैं और छोटे से ही कहते चले आ रहे हैं जेल वाला मेला है ये। और जो वहाँ उसी में लगता है उसको बड़ा मेला कहते, फैक्ट्री वाले से फैक्ट्री सेट वाला मेला कहते हैं। और जैसे कि देख रहे हैं वो पूरा जेल के पीछे ही है यहाँ पर। और आप इधर देख रहे हैं सामने, यहाँ पर देखिए झूला जो है, झूले के जो पार्ट्स हैं वो पड़े हुए हैं जो कि बहुत जल्दी लग भी जाएंगे। तो वो देखिए सामने, वहाँ पर भी झूले के पार्ट्स कुछ रखे गए हैं, पता कौन कौन से तो समझ भी नहीं आ रहे इस टाइम, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, भाई 2 साल बाद मेला फिर से लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी जो है हम लोग रंगमंच के जो है पीछे आए हुए हैं, जिसके आप सामने देख रहे हैं ये जो है ग्रीन रूम बना हुआ है, पूरा नया ग्रीन रूम बना हुआ है। और इसी के पीछे जस्ट यहाँ पे देखिए, ये देखिए रावण बनने की भी तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चालू हो चुकी है। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर कुछ हिस्से रखे गए हैं, जैसे पतले बना के रखे गए हैं, इसके जो पार्ट्स हैं वो बना के रखे। और आगे सामने देख रहे हैं रावण का शायद से पेट वेट है, जो भी हो सकता है अपनी क्या है, पर उसका बना के अभी से ही तैयारी उसकी चालू हो चुकी है बनने की। तो हम आपको पूरा जब रावण दहन होगा उसका भी पूरा फुल व्लॉग देंगे। तो अभी हम आपको शुरुआत ही दिखा रहे हैं। और ये पीछे देख रहे हैं, ये पूरी जेल की दीवार है और इसी के पीछे यहाँ पे रामलीला होती है, इसलिए बहुत से लोग इसको जेल वाला मेला भी कहते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए आपको मंच के ऊपर से भी पूरा मेले का व्यू दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी जो है हम लोग मंच के ऊपर आ चुके हैं और जैसे कि अभी आप देख रहे हैं पूरा जो है नया रंगमंच बना हुआ है, पूरी तैयारी चली, साफ सफाई चल रही है, क्योंकि यहाँ पर हम कल से रामलीला चालू हो जाएगी पूरी। और अभी हम आपको पूरा वो मंच के ऊपर से मेले का नज़ारा दिखा रहे हैं सामने से, कि देख सकते हैं आप पूरा सजावट हो चुकी है और नीचे देखिए लाइटें जो हैं मेले में लगती हैं सब लग चुकी हैं और दुकानें भी तो ज़ोर शोर से लगना चालू हो ही चुकी हैं। तो बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी है कि फाइनली 2 साल बाद रामलीला का मंचन होगा। और आज मौसम भी बेहद ही खूबसूरत है और काली घटाएं हैं, तो और भी मज़ा आ रही है।
फ्रेंड्स ये सामने देख रहे हैं, ये जो है ग्रीन रूम का गेट है, मतलब यहाँ पे जो मेकअप आर्टिस्ट है वो सब यहाँ पे तो रेडी होंगे और यहाँ पे वॉशरूम वगैरह होगा। तो ये पूरा जो है ये नया स्टेज जो है वो हम दिखा रहे हैं आपको, पहले ही बहुत छोटा हुआ करता था, अब काफ़ी बड़ा बन चुका है। और इसी पे कल से रामलीला होगी और रामलीला का मंचन कराया जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे जो साउंड सिस्टम भी लग चुका है, तो यहाँ से पूरा जो आवाज़ है गाना का जो पूरा यहाँ से सब कंट्रोल किया जाएगा। फ्रेंड चलिए आपको मिलवाते हैं। तो सर अपना नाम बताइए। संजय सक्सेना। तो सर आप जो है आप कैसा फील हो रहा है कि अब इतने साल बाद, दो साल बाद लग रही है? नहीं, एक साल बाद, पिछले वर्ष नहीं हुई थी 2020 में, लास्ट ईयर जो हुई थी वो 2019 में हुई थी और पिछले वर्ष कोरोना के चलते पूरे देश में कहीं नहीं हुई, तो यहाँ क्या होती जी। और इस बार यहाँ पूरे उसी तरह से हो रही है जैसे पहले भी होती रही है। सर आप यहाँ पे क्या देखते हैं मैनेजमेंट में? हम यहाँ के कोषाध्यक्ष भी हैं और जो हमारे चार पांच वरिष्ठ कलाकार हैं उनमें से भी एक हैं, और पहले हम 20 साल करीब रावण का रोल भी किया हमने यहाँ, शिव का रोल का किया है, विश्वामित्र का किया, वशिष्ठ का किया, विभीषण का, कुंभकर्ण का, बहुत सारे किरदार करे 25-26 सालों में। और अब हम किरदार कोई नहीं करते हैं, छोटे छोटे करेंगे, वशिष्ठ के, विश्वामित्र के जो लिंक रोल हैं छोटे छोटे वो करेंगे, 10-10 5-5 मिनट वाले, और शेष संचालन का काम रहता है हमारा यहाँ। कल से आप हमें संचालन में ही देखेंगे। अच्छा। सर कुछ पुरानी अगर यादें हैं आप कुछ बताना चाहिए, इतिहास कब से हो रहा है? इस रामलीला मंच को लगभग 125 वर्ष हो गए होते हुए, काफ़ी लंबा समय हो गया। हाँ, बहुत लंबा समय है, सबसे पुरानी रामलीला है। और जो अन्य रामलीलाएं जिले में होती हैं या जो OCF की रामलीला होती है वो सब बहुत बाद में शुरू हुई, बल्कि यूँ कहें अभी वो शिशु हैं। ये सबसे पुरानी रामलीला है, धार्मिक रामलीला है, पूजनीय रामलीला है। अभी हमारे पूज्य पात्र गए हैं सब, गुदड़ी बाजार चौक में एक क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर बाकायदा पूजन होता है, स्वरूप पूजे जाते हैं, उनकी आरती उतारी जाती है और उसके बाद वो रथों पर बैठ के अभी गणेश शोभा यात्रा जब निकलेगी उसमें सब शामिल हो जाएंगे जुलूस। शेष और भी हैं लेकिन इस साल जो विशेष झांकी है हमारी, राम दरबार है, शिव पार्वती का दरबार है और दरबार हैं लगे हुए, लेकिन जो विशेष रूप से जो दो झांकियां हम लोगों ने दी हैं, एक कोरोना वायरस की है जो डराता है लोगों को कि डरिए इससे, और दूसरा वैक्सीनेशन के जो सरकार हमारी प्रोत्साहित कर रही है, एक झांकी हमारी वो है जिसमें वैक्सीनेशन करते हुए हमारे कलाकार दिखेंगे, जिससे लोगों को एक अच्छा मैसेज जाएगा, बहुत अच्छा मैसेज, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है और कोरोना काल अभी ख़त्म नहीं हुआ, चल ही रहा है। वो बात अलग है कि हमारे मुख्यमंत्री के प्रयासों से, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के प्रयासों से, हमारे के नगर के जो माननीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जो चिकित्सा संसदीय और शिक्षा कार्य मंत्री हैं, उनके अथक प्रयासों से उत्तर प्रदेश में और बल्कि शाहजहाँपुर में भी कोरोना पर लगभग पूर्ण नियंत्रण पाया जा चुका है, कोई भी शेष मरीज अब नहीं है कोरोना का, प्रदेश में भी गिनती के 100 या 125 मरीज बचे हैं। और ये झांकी इसीलिए विशेष रूप से दी गई ताकि लोग जो वैक्सीनेशन के प्रति लापरवाह हैं वो भी उसको देखें और हाँ ये संदेश जाए उन पर कि आप भी वैक्सीनेशन कराएं और इस बीमारी से बचने का प्रयास करें। सर अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करिए कि पहले की रामलीला में और अब की रामलीला में क्या अंतर आया है, क्या मतलब नए चेंजेस आए हैं, बदलाव? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आज से 30 साल पहले जब हम लोगों ने रामलीला करना प्रारंभ किया था तो जिस मंच पर आप इंटरव्यू कर रही हैं हमारा, ये मंच कच्चा था जी। ये इसी वर्ष बनकर हमारे माननीय मंत्री जी के प्रयासों से और हम लोगों ने बार बार उन्हें कहा कि ये मंच हमको पक्का करके दीजिए, बारिश हो जाती है, पानी बरस जाता है, बहुत नुकसान होता है, मंच गीला हो जाता है, रामलीला करने में दिक्कत होती है, तो इस वर्ष वो सभी समस्याएं दूर हो गई हैं। मंच हाईटेक हो गया है, जो 25-30 साल पहले रामलीला होती थी वो वस्त्र विन्यास भी अलग हुआ करता था, जैसे जो मेकअप गेटअप, अब जो सीरियल्स देखे वो इम्प्रूवमेंट हुआ, वेब सीरीज आई वो इम्प्रूवमेंट उससे हुआ, अब हमारी मतलब अगर ये कहें कि आज की रामलीला वर्तमान की बहुत हाईटेक कर दी हम लोगों ने, जो लाइट का विज़न देखेंगे आप,
कलाकारों की वेशभूषा देखेंगे, उनका मेकअप देखेंगे तो लगभग आपको वैसा ही दिखेगा जैसे बड़े बड़े भव्य सीरियल्स में दिखता है आपको, क्योंकि अब हम लोगों ने अडाप्ट करे हैं, वो ड्रेसेज अडाप्ट करी हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, खरीदी हैं। अब वो जब बच्चे हमारे पहनेंगे, मेकअप मैन हमारे ट्रेंड मेकअप मैन है, पहले कुछ भी हम लोग आपस में ही मेकअप कर लेते थे एक दूसरे, लेकिन अब हमारे ट्रेंड मेकअप मैन है हमारे पास, जिन्होंने कोर्स किया हुआ है, कैसा भी अच्छा से अच्छा मेकअप हो, कितना भी टिपिकल मेकअप हो, वो कर देते हैं और पात्र को उसी मेकअप में करके उसी पात्र को उसी रूप में ढाल देते हैं जैसे हमें ज़रूरत है मंच पे। और शेष रामलीला कल से शुरू प्रारंभ हो रही है मंचन, आप लोग आते रहेंगे तो कुछ दृश्य संकलन भी करिए हमारे यहाँ का। बिल्कुल और हाँ, आपने यूट्यूब पे डालिए उसको। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी और इतने अच्छे बात बताई, तो धन्यवाद आपका सर। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम और उनके परिवार का आपके चैनल पर, आप पर सब पर आशीर्वाद बना रहे और आपका चैनल दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, ऐसा हमारा आशीर्वाद। नहीं, आशीर्वाद तो नहीं कहेंगे हम, इस लायक नहीं है कि आशीर्वाद आपको दे पाएं, लेकिन बेस्ट विशेष है हमारी। थैंक यू, धन्यवाद सर। तो फ्रेंड चलिए आपको रामलीला के एक दूसरे कलाकार से मिलवाते हैं। तो सर अपना नाम बताइए। राम सिंह गंगवार। सर आप इस रामलीला में कौन से किरदार निभा रहे हैं? मैं इस बार राजा दशरथ और लंकाधिपति रावण का रोल कर रहा हूँ। अरे वाह सर, आप ये जो रोल है कब से करते आ रहे हैं? मैं ये रोल लगभग पिछले 5-6 सालों से कर रहा हूँ और वैसे तो मैं लगभग 20-25 साल पहले से बहुत से मैंने किरदार किए हैं इसमें रामलीला में। मेरे पिताजी ऑर्डिनेंस ड्रामेटिक क्लब के अध्यक्ष थे पहले, प्रताप सिंह जी, अब वो नहीं है इस दुनिया में, और उनके संरक्षण में मैंने बहुत से रोल किए हैं। मेघनाथ का किया, रावण का किया है, राजकुमार का किया, अक्षय कुमार का भी रोल किया है। मतलब मैं इस मतलब कह सकते हैं आप रामलीला से लगभग 20-25 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत सी भूमिकाएं की हैं और इस समय मैं रावण का रोल कर रहा हूं और राजा दशरथ का। सो फ्रेंड्स जैसे कि अभी आपने देखा सर जो है रावण का भी रोल निभाते हैं और राजा दशरथ का भी रोल निभाते हैं, तो अभी आप उनको नेचुरल लुक में देख रहे हैं और जब मेकअप हो जाएगा तो एकदम पूरा ही लुक बदल जाएगा, तो हम आपको वो लुक भी आपका सर का ज़रूर दिखाएंगे। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है मेरे दर्शकों के लिए कि आप सर कुछ लाइनें रावण की अगर बोल दें सर ऐसे नेचुरल लुक में, सर बहुत अच्छा लगेगा सर। प्लीज़ ओके रावण का जो डायलॉग है आप प्लीज बोल दीजिए उस अंदाज में। है धाक धरन से गगन तलक, रचना समस्त मुझी में है, आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र, सब उदय अस्त मुझी में है। वाह सर, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स देखिए ये रावण का डायलॉग था जो सर ने अभी सुनाया आप लोगों को, तो थैंक यू। सो फ्रेंड जैसे कि अभी आप देख रहे हैं हम लोग रामलीला मैदान में ही खड़े हैं और यहाँ पे देखिए जैसे दुकानें पूरी लग रही हैं, सब लोग अपनी अपनी दुकान लगा रहे हैं और आज मौसम ने क्या कहर मचा रखे हैं, मतलब बारिश स्टार्ट हो गई जैसे कि आप देख रहे हैं कैमरे पे, और ऐसे बहुत ही खूबसूरत लग रहा है हमारा रामलीला मंच और इधर दुकानें लग रही हैं। और चलिए आपको पूरा दिखाते हैं कि इस साइड को भी कुछ दुकानें लग रही हैं इधर, और जब पूरी लग जाएंगी तो ये और भी खूबसूरत लगेगा। कुछ दुकानें देखिए लग भी चुकी हैं, तो चलिए हम आपको पूरा दिखा रहे हैं अभी। सामने देख रहे हैं ये जो है यहाँ पे एक छोटा सा पावर हाउस कह सकते हैं इसको बनाया गया है, और यहीं से पूरे मेले की जो बिजली है वो यहीं से सप्लाई करी जाएगी इस एरिया पे। देखिए यहाँ पूरा पावर हाउस बना रखा है और यहीं से पूरी मेले की बिजली जो है यहाँ से सप्लाई करी जाएगी। जैसे कि अभी आप देख ही रहे हैं लाइटें वगैरह चल रही हैं और इस टाइम बादल भी गरज रहे हैं, तो मौसम में आज पता नहीं क्या हो गया, मतलब वैसे मौसम बहुत अच्छा है बट गड़गड़ाहट हो रही है। को मिलवाते हैं सर, तो नाम बताइए। सत्येंद्र साहब। सर आप बताइए, एक साल बाद पूरा लग रहा है रामलीला हो रही है, तो अपना अनुभव बताइए। बहुत बढ़िया लग रहा है जी। और हमारी संस्कृति जीवित हो रही है, राम का नाम आएगा, जय श्री राम होगा।
सो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये पूरा मेले का अपडेटेड ब्लॉग? और पूरा ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेगा, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन दबा दीजिए और मेरे वीडियोज़ को इन्जॉय करिए। और फ्रेंड्स, मेरे भाई का यूट्यूब चैनल है ब्लॉगर कार्तिक, आ जा भाई, तो ये रहे ब्लॉगर कार्तिक, तो प्लीज़ उसका चैनल सब्सक्राइब करिए, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, या फिर आपको चैनल के चैनल सेक्शन में जाके आपको उसका चैनल जो है मिल जाएगा ब्लॉगर कार्तिक। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, तो मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर से फॉलो करें फ्रेंड्स, और पूरा ब्लॉग इन्जॉय करें और बताएँ कॉमेंट करके कि कैसा लगा। और बेस्ट फ्रेंड्स, हम एंड में यही कहेंगे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।